हेलो स्टूडेंट्स, आई गॉट सम मैसेज ऑन माय व्हाट्सएप नंबर, दैट्स व्हाई आई एम हियर विद सम सॉल्यूशन ऑफ सम क्वेश्चंस। एंड द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज यूज यूनिट डिविजर लेमा टू शो दैट क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 9m, 9m plus 1 और 9m plus 8। दिस इज द फिफ्थ क्वेश्चन ऑफ 1.1। ओके, मतलब हमको ये दिखाना है कि अगर हम कोई भी पॉजिटिव इंटीजर लेते हैं और उसका अगर हम क्यूब करेंगे तो या तो हमको 9m का फॉर्मेट मिलेगा या 9m plus 1 का फॉर्मेट मिलेगा या 9m plus 8 का फॉर्मेट मिलेगा। ये इन तीनों में से कोई एक फॉर्मेट हमको मिलेगा। अच्छा, तीनों फॉर्मेट एक साथ नहीं मिल सकता, कोई एक फॉर्मेट हमको एक ही बार में मिलेगा। तो चलो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले हम ये कंसिडर करते हैं कि ए जो है वो कोई पॉजिटिव इंटीजर है। ओके, लेट ए बी द पॉजिटिव इंटीजर। अच्छा, यहां पे हम देख रहे हैं कि डिवाइजर जो है हमारा 9 है। ओके, तो डिवाइजर हम 9 भी ले सकते हैं, लेकिन 9 में क्या प्रॉब्लम है ना कि अगर हम 9 लेंगे तो वी हैव सो मेनी कंडीशंस, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, देर आर 9 कंडीशंस। ओके, सो दैट इज नॉट सो मच एसेंशियल दैट वी कैन गेट 9 एज डिवाइजर। हम लोग 3 भी एज अ डिवाइजर लेके चल सकते हैं। तो बाई यूनिट डिविजन लीमा, बाई Euclid's division lemma, A is equal to 3q plus r। हमने डिवाइजर 3 मान लिया, कोसेंट को मान लिया q और रिमाइंडर को मान लिया r की अगर हम a में 3 से डिवाइड करेंगे तो कोसेंट होगा q और रिमाइंडर होगा r, where r is greater than equal to 0 and less than 3। ओके, सो व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ आर? द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ आर आर 0, 1 एंड 2। ओके, नाउ क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, क्यूब, सो वी मस्ट हैव द वैल्यू ऑफ ए क्यूब। हमारे पास ए क्यूब का वैल्यू होना चाहिए, तो चलो ए क्यूब कर लेते हैं। ए क्यूब करोगे तो 3q plus r का होल क्यूब होगा, a plus b का होल क्यूब, अगेन अलजेब्रिक आइडेंटिटीज फ्रॉम 9th क्लास चैप्टर पॉलिनोमियल, a plus b का होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब, यानी कि 3q का होल क्यूब मींस 27q³ plus b क्यूब यानी क्या क्यूब plus 3a square b, तो 3a square 3q का square यानी कि 9q² into b यानी कि r plus 3ab² 3q into r² okay, a cube plus b cube plus 3a² b plus 3ab² यानी कि 27q³ + r³ + 27q² r + 9qr². ओके, नाउ वी हैव ए क्यूब लाइक दैट। नाउ वी हैव 3 डिफरेंट वैल्यूज ऑफ r, 0, 1 एंड 2, सो There must be 3 cases. There must be 3 cases. 3 cases तो होंगे। तो case 1. Case 1. If we take case 1, in that condition, R must be taken as 0. So, A cube is equal to, अच्छा, R यहाँ है, यहाँ है, और यहाँ है। ये तीन जगह पे है। तीनों जगह पे अगर आप r का वैल्यू 0 रखोगे
जीरो क्यूब जीरो, अगर यहाँ जीरो रखोगे तो ये टर्म जीरो हो जाएगा, अगर यहाँ जीरो रखोगे तो ये भी टर्म बच जाएगा, क्या 27 क्यू क्यूब बचेगा। अच्छा 27 क्यू क्यूब कैन बी रिटन एज 9 इंटू 3 क्यू क्यूब। अच्छा 9 इंटू का फॉर्मेट देना इसलिए जरूरी है क्योंकि हमारा जो प्रूफ है वो ये हमसे बोल रहा है कि क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर जो है वो 9 एंड 9 प्लस 1 और 9 प्लस 8 होना चाहिए, इसलिए 27 को 9 के फॉर्मेट में लिखा गया। तो 9 इंटू 3 क्यू क्यूब कैन बी रिटन एज एम। ओके दैट्स, यहां पे हम लिख सकते हैं वेयर एम इज इक्वल टू 3 क्यूब। तो पहला कंडीशन आ गया आपका 9m, आपने जब r का वैल्यू 0 रखा तो जो क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर है वो किस तरह का फॉर्मेट शो कर रहा है, 9m को शो कर रहा है। ओके अब हम बनाते हैं केस 2। तो केस 2 में हम r का वैल्यू कितना रखेंगे, 1 रखेंगे। तो r का वैल्यू जब 1 रखेंगे a क्यूब क्या हो जाएगा, यहाँ तो r है नहीं इसलिए वो 27 क्यूब क्यूब ही रह जाएगा, 1 का क्यूब कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, 27 क्या हो जाएगा 2 स्क्वायर इंटू 1 करोगे ये खत्म हो जाएगा। ओके प्लस 9 क्यूब हो जाएगा, फिर यहाँ पे 1 का स्क्वायर करोगे तो वो भी हट जाएगा। अब एक काम करो तुम, 27 क्यू क्यूब प्लस 27 क्यू स्क्वायर प्लस 9 क्यू प्लस 1। ओके इसको 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 एक साथ रखा और प्लस 1 को अलग हमने कर दिया। चलो एक काम करते हैं, ये जो तीन टर्म है देखो तो क्या इसमें 9 कॉमन है क्या, 9 कॉमन निकाल सकते हो, चलो 9 कॉमन ले लो। तो 9 अगर कॉमन लोगे यहां बचेगा 3 क्यू क्यूब, यहां बचेगा 3 क्यू स्क्वायर, अच्छा यहां बचेगा क्यूब। ओके एंड प्लस 1 ये हो गया 9m प्लस 1 वेयर m इज इक्वल टू 3 क्यूब क्यूब प्लस 3 क्यू स्क्वायर एंड प्लस क्यू। ये तुम्हारा सेकंड कंडीशन भी आ गया, सेकंड कंडीशन था ना 9m प्लस 1, ये भी तुम्हारा आ गया a इज इक्वल टू 9m प्लस 1, तो सेकंड कंडीशन भी आ गया तुम्हारा। अब हम बनाएंगे केस 3। तो केस 3 में हम r का वैल्यू क्या डालेंगे, 2 डालेंगे। केस 3 बनाओ, केस 3 वेयर आर इज इक्वल टू 2 देन ए क्यूब इज इक्वल टू, चाहिए तो फिर वही रह जाएगा 27 क्यूब 2 प्लस आर क्यूब, तो 2 का क्यूब कितना हो गया 8 हो गया, यहाँ रखोगे 27 टू जार क्या हो जाएगा 54 क्यूब स्क्वायर, अब प्लस यहाँ अगर रखोगे 2 स्क्वायर 4 हो गया 94 जा 36 क्यूब। ओके चलो क्यूब प्लस 54 क्यू स्क्वायर प्लस 36 क्यूब अब प्लस 8, इन तीनों को गैदर करके एक जगह लिखा, इसको 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 और प्लस 8 को सेपरेट कर दिया। ठीक है चलो इन तीनों में फिर से 9 कॉमन हो सकता है, 9 3 जा 27 9 6 जा 54 9 4 जा 36 तो 9 कॉमन हो सकता है, क्या बचेगा 3 क्यू क्यूब प्लस 6 क्यू स्क्वायर प्लस 4 क्यूब और प्लस 8, तो 9m प्लस 8 वेयर m इज इक्वल टू 3 क्यू क्यूब प्लस 6 क्यू स्क्वायर प्लस
तो ये तीन कंडीशन आ गए। चलिए एक बार फिर से क्वेश्चन को देखते हैं हम, कि कह रहा है कि आपको इंक्लूडिव लेगा को यूज करना है और आपको ये दिखाना है किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का अगर आप क्यूब करते हो तो ये 9m+1 और 9m+8 के फॉर्मेट को रिप्रेजेंट करना चाहिए। आपने सबसे पहले मान लिया कि ये जो है वो कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है, आपने 3 को एज अ डिवाइजर माना, चूंकि अगर 9 आप डिवाइजर लेते हो तो बहुत सारे कंडीशन आ जाएंगे, 9 कंडीशन आ जाएंगे। तो अच्छा है कि हम अगर 3 डिवाइजर लेंगे तो हमारा ऐसा नहीं है कि 3 डिवाइजर लेने पर 9 हमारा नहीं आएगा, वहाँ भी आ जाएगा, है ना। तो बेहतर है कि हम 3 ही लें, 9 भी लेकर बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो 3q+r इक्वल डिवीजन लीमा के हिसाब से अगर ये कंडीशन है तो r मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन 3, b से छोटा होना चाहिए और b को रिप्रेजेंट कर रहा है 3, उससे छोटा हो गया। तो r के 3 पॉसिबल वैल्यू हो गए 0, 1 एंड 2। देन a³, अब हमको चाहिए क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, क्यूब चाहिए। 3q+r का होल क्यूब यानी कि a³ + b³ + 3a²b + 3ab² ये कंडीशन आ गया। अब हमने केस वन बनाया जिसमें हमने r के वैल्यू को 0 लिया। आफ्टर द फंक्शन वी गेट a³ = 9m, दैट इज द फर्स्ट कंडीशन। फिर हमने r का वैल्यू लिया 2, 1, r का वैल्यू हमने 1 लिया तो a³ =, फिर हमने यहाँ यहाँ और यहाँ r के वैल्यू को 1 रखा, ये फॉर्मेट आया। सॉल्व करने के बाद हमको आ गया 9m+1 जो कि सेकंड कंडीशन है। फिर हमने केस थर्ड में r के वैल्यू को रखा 2, तो a³ मेरा आ गया 9m+8 जो कि थर्ड कंडीशन है। ओके, सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ एक्सरसाइज 1.1। नाउ दिस इज सेकंड क्वेश्चन। फॉर एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर n, n2 - n इज डिविजिबल बाय 6। हमको ये दिखाना है कि अगर n कोई ऑड इंटीजर है, ऑड पॉजिटिव इंटीजर है, तो n2 - n जो होगा वो हमेशा 6 से डिविजिबल होगा। हमको ये दिखाना है, ठीक है। तो चलो एक काम करते हैं, लेट ए बी द फॉर्म ऑफ पॉजिटिव और इंटीजर। ओके, हमने मान लिया कि ए जो है वो रिप्रेजेंट करता है पॉजिटिव और इंटीजर को। चलो हम ये मान लेते हैं कि ए जो है उसमें अगर हम 6 से डिवाइड करेंगे तो कोसेंट आएगा क्यू और रिमाइंडर आएगा आर। ओके, तो बाय यूक्लिड डिवीजन लीमा, बाय यूक्लिड्स डिवीजन लीमा, बाय यूक्लिड डिवीजन लीमा ए इज इक्वल टू 6q+r। ओके, वेयर r is greater than equal to 0 and less than 6. तो r का पॉसिबल वैल्यू क्या क्या हो जाएगा, 0, 1, 2, 3, 4 and 5, ये सारे वैल्यूज होंगे r के पॉसिबल वैल्यूज होंगे। ओके, चलो a का वैल्यू क्या क्या हो जाएगा, अगर आप 0 रखते हो ये हो जाएगा 6q। ओके, अगर आप 1 रखते हो जाएगा 6q+1, फिर हो जाएगा 6q+2, फिर हो जाएगा 6q+3, फिर हो जाएगा 6q+4 और 6q+5, ये सारे वैल्यूज हो जाएंगे। एक ही जरा देखो तो ये क्या है, ऑड है। तो ऑड अगर है तो 6q, 6q+2 और 6q+4 ये डेफिनेटली ऑड रिप्रेजेंटेशन नहीं है, ये इवन रिप्रेजेंटेशन है, क्योंकि ये तीनों जो है ना वो 2 के मल्टीपल है। अगर आप यहाँ देखोगे तो 6q को आप लिख सकते हो 2 × 3q, इसमें अगर 2 कॉमन निकालोगे तो निकल जाएगा, 3q+1 बचेगा, इसमें भी 2 कॉमन निकल जाएगा। ये तीनों 2 के मल्टीपल है, 2 का कोई भी मल्टीपल कभी भी ऑड नहीं होता है।
तो हम किन तीन वैल्यूज को नेगलेक्ट करेंगे, क्योंकि हमको जो है ए का जो वैल्यू हमको चाहिए वो कैसा वैल्यू चाहिए, ऑड वैल्यू चाहिए। तो लिखेंगे कि सिंस सिक्स क्यू प्लस टू एंड सिक्स क्यू प्लस फोर आर इवन, एंटीजर्स सो ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा। आप एक काम करो, यहाँ पे एक जगह पे आप एन ले लो, ज्यादा बेहतर होगा। बेहतर इसलिए भी होगा क्योंकि यहाँ पे कह रहा है कि फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर एन, एन 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 लिखो उसको। एन इज इक्वल टू क्या क्या बच गया, सिक्स क्यू प्लस वन हो गया, सिक्स क्यू प्लस थ्री हो गया, और क्या बच गया, सिक्स क्यू प्लस फाइव। ये तीन वैल्यूज आ गए। अब चलो ये फर्स्ट केस फर्स्ट हम लेंगे, केस फर्स्ट वेयर एन इज इक्वल टू सिक्स क्यू प्लस वन, पहला वैल्यू सिक्स क्यू प्लस वन एन का। तो चलो एन क्यू माइनस एन को अब हम सॉल्व करेंगे। एन का वैल्यू कितना है, सिक्स क्यू प्लस वन का होल क्यूब माइनस सिक्स क्यू प्लस वन विदाउट, चलो सिक्स क्यू प्लस वन दोनों में कॉमन है क्या, निकालो। तो सिक्स क्यू प्लस वन अगर कॉमन निकालोगे तो बचेगा सिक्स क्यू प्लस वन का होल स्क्वायर। तो सिक्स क्यू प्लस वन का होल स्क्वायर माइनस वन, क्योंकि सिक्स क्यू प्लस वन का होल क्यूब था, उसमें से तुमने सिक्स क्यू प्लस वन निकाला तो स्क्वायर बचेगा, और पूरा जब सिक्स क्यू प्लस वन जब कॉमन आ जाएगा क्या बचेगा, वन आएगा, आएगा ना। चलो तो सिक्स क्यू प्लस वन ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी और माइनस वन। तो सिक्स क्यू प्लस वन, प्लस वन माइनस वन कैंसिल हो जाएगा, और इन दोनों से सिक्स कॉमन निकाल सकते हो क्या, तो क्या बचेगा सिक्स क्यू स्क्वायर प्लस टू क्यू बचेगा। गौर से इस नंबर को देखो, दिस नंबर इज द मल्टीपल ऑफ सिक्स, इजंट इट। क्या ये नंबर छः का मल्टीपल नहीं है, कोई भी नंबर जो अगर छः का मल्टीपल हो डेफिनेटली डिविजिबल में क्या होता है, सिक्स होता है। तो यहाँ लिखेंगे कि यार दिस नंबर इज मल्टीपल ऑफ सिक्स, दैट्स व्हाई वी कैन से दैट दिस नंबर इज ऑल्सो डिविजिबल बाई सिक्स। तो केस वन के लिए जहाँ पे हमने इक्वल टू सिक्स प्लस वन लिया था, आफ्टर द सॉल्यूशन हमने दिखा दिया ये जो नंबर है वो सिक्स का मल्टीपल है, इसलिए नंबर छः से डिविजिबल होगा। तो हम ऐसा एक्सपेक्ट कर सकते हैं आपसे कि आप केस टू बनाएंगे और केस थ्री बनाएंगे। केस टू में आप एन के वैल्यू को आप रखेंगे सिक्स क्यू प्लस थ्री, और एन के वैल्यू को रखेंगे आप केस थ्री में सिक्स क्यू प्लस फाइव। सेम रिप्रेजेंटेशन लेते हुए आप इसको सॉल्व करेंगे बाकी दो कंडीशन में, बाकी दो कंडीशन में भी सॉल्व करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। मैंने एक कंडीशन दिखा दिया, केस सेकंड आप जब बनाएंगे तो एन का वैल्यू लेंगे आप सिक्स क्यू प्लस थ्री, और केस थर्ड जब बनाएंगे तो आप एन का वैल्यू लेंगे सिक्स क्यू प्लस फाइव, और इस तरह करते बाकी उन दोनों को भी आप सिक्स का मल्टीपल शो करेंगे। और जैसे ही सिक्स का मल्टीपल आप शो करेंगे ये प्रूफ हो जाएगा कि ये जो नंबर है छः का मल्टीपल है, छः का कोई भी मल्टीपल डेफिनेटली सिक्स का डिविजिबल होता है, ये हमारा प्रूफ हो जाएगा। ओके, दिस इज द थर्ड क्वेश्चन। ओके, एंड द क्वेश्चन इज यूक्लिड डिवीजन। अच्छा, दिस ऑल क्वेश्चंस वेयर आस्क्ड बाय वेरियस स्टूडेंट ऑन माय व्हाट्सएप नंबर और इन द कमेंट बॉक्स ऑफ द वीडियोज विच वी आर अपलोडेड बाय शांति निकेतन जुबली
इन द प्रीवियस वीडियोस. ओके, ये सारे के सारे क्वेश्चन या तो वहाँ पूछे गए, मेरे व्हाट्सएप नंबर पे पूछे गए, या बच्चों ने फ़ोन करके भी मुझसे पूछा, या उन्होंने जहाँ पे वीडियो अपलोड हो रहा है शांति निकेतन के साइट पे, वहाँ भी उन्होंने कमेंट बॉक्स में ये क्वेश्चंस लिखे. दैट्स व्हाई आई एम गोइंग थ्रू दिस ऑल क्वेश्चंस. एंड द क्वेश्चन इज यूज इक्वल डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड द एसीएफ ऑफ 1190 एंड 1445. अच्छा, एसीएफ निकालने के बाद फिर एसीएफ को इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करना. ओके, तो इन दोनों का एसीएफ निकालना तो हम लोग ने देखा है 1.1 में, जब हमने यूनिट डिवीजन एल्गोरिथम को बनाया था. चलो, तो सबसे पहले तो हम एसीएफ निकाल लेंगे, क्योंकि एसीएफ निकालना जरूरी होगा. तो 1445 में अगर हम 1190 से डिवाइड करेंगे तो डेफिनेटली ये 1 टाइम जाएगा और रिमाइंडर आएगा 255. ओके, ये रिमाइंडर आएगा हमारा, इस तरह से होगा. सिंपली अगर आप ए मानोगे 1445 और बी क्या मानोगे 1190, अगर आप डिवाइड करोगे तो 1 टाइम जाएगा और रिमाइंडर क्या आएगा 255. फिर अगले स्टेप में आप 1190 को एज ए कंसिडर करोगे और आपका बी क्या हो जाएगा 255. 4 टाइम्स जाएगा और बचेगा कितना 170 बचेगा. ठीक, ये यहाँ या ये यहाँ, या अगर आप इसको डिवाइड करोगे 4 टाइम जाएगा और रिमाइंडर आएगा 170. फिर अगले स्टेप में 255 अब आपका डिवाइजर हो जाएगा और 170 आपका, सॉरी 255 आपका डिविडेंड हो जाएगा और 170 आपका डिवाइजर हो जाएगा. फिर डिवाइड करोगे तो ये 1 टाइम जाएगा और कितना बचेगा 85. फिर 170 इज इक्वल टू 85 इंटू 2 प्लस 0. ओके, यहां पे आ गया 0. एस सी एफ इज इक्वल टू 85. अब आपका एस सी एफ आ गया 85. पहला तो ये काम था हमारा कि यूनिट डिवीजन एल्गोरिथम के थ्रू हमको 1190 और 1445 का क्या निकालना था, एस सी एफ निकालना था. ये मेरा एस सी एफ आ गया 85. ठीक है, अब हमको एस सी एफ को इस फॉर्मेट में डालना है. नहीं कि कोई एम और एन जो है वो कुछ ऐसे टर्म्स आए कि जिनको हम 1190 और 1445 में मल्टीप्लाई करके अगर उनको हम ऐड कर दें तो किसके इक्वल आ जाए, 85 के इक्वल आ जाए. चलो एक काम करते हैं, हम इस सेकंड स्टेप को हम हायर करते हैं, इस सेकंड स्टेप. ओके, चलो, तो अगर हायर करें हम तो 1190 इज इक्वल टू 255 इंटू 4 प्लस क्या है 170. ये वाला स्टेप मैंने लिया. ठीक है, चलो मेरा एक आंसर आ चुका है जो इसने कहा था कि हाँ आपको एस सी एफ निकालना है, तो ये आपको 85 निकल चुका है. अब आप एस सी एफ को इस फॉर्मेट में डालने जा रहे हैं, उसके लिए मैंने सेकंड स्टेप ले लिया. 1190 इज इक्वल टू 255 कैन बी रिटन एज 1445 माइनस 1190. ओके, अगर आप 1445 में से 1190 को अगर आप माइनस करोगे क्या मिलेगा आपको 255 मिलेगा इंटू 4 प्लस 170. दैट इज 1190 इज इक्वल टू 1445 इंटू 4 माइनस 1190 इंटू 4, और 170 को आप 85 इंटू 2 लिख सकते हैं. ओके, चलो अब एक काम करें, ये पोर्शन इधर आके प्लस हो जाएगा, ट्रांसपोज होगा तो. अच्छा, इसका जो मल्टीपल है वो 4 है, और इसका मल्टीपल कितना है, ये इंटू 4 है और इंटू 1 है ना, कोफिशिएंट, ये 4 कोफिशिएंट है और यहाँ पे 1 कोफिशिएंट है, इधर आके प्लस हो जाएगा,
तो फोर कोफिशेंट वन कोफिशेंट दोनों ऐड हो कितना हो जाएगा, फाइव कोफिशेंट हो जाएगा। तो आप इसको लिख सकते हो 1190 इंटू फाइव। ओके अच्छा ये प्लस है, ये इधर आके माइनस हो जाएगा 1445 इंटू फोर। अच्छा उधर क्या बच जाएगा, 85 इंटू टू बचेगा। अच्छा ये जो टू जो इंटू है ये ट्रांसपोज होकर दोनों पे डिवाइड होकर डिवाइड हो जाएगा। चलो तो जब डिवाइड होगा 1190 इंटू फाइव बाई टू माइनस 1445 इंटू फोर बाई टू इज इक्वल टू 85। सो 85 इज इक्वल टू 1190 इंटू फाइव बाई टू माइनस टू, फोर बाई टू टू हो जाएगा, इंटू 1445। ये आपका रिप्रेजेंट हो गया है ना। एस सी एफ इज इक्वल टू 1190 इंटू एम माइनस 2 इंटू 1445। तो m का वैल्यू क्या हो गया, क्या हो गया 5 बाई टू, एंड n का वैल्यू कितना हो गया माइनस 2। माइनस 2 इसलिए क्योंकि यहां पर जो फाइनल साइन है वो क्या है प्लस है, इसलिए माइनस हो गया m का वैल्यू। तो दिस इज द सिक्स्थ सॉल्यूशन, सॉरी थर्ड सॉल्यूशन। इसमें आपसे पूछा गया था कि आपको 1190 और 1445 पे एससीएफ निकालना है, फिर उस एससीएफ को 1190 एम प्लस 1445 एन के फॉर्म में आपको रिप्रेजेंट करना है। सबसे पहले मैंने एससीएफ निकाला जो कि 85 आया, फिर मैंने ये सेकेंड स्टेप लिया और सॉल्व करने के बाद 85 को लिखा गया 1190 इंटू 5 बाई 2 माइनस 2 इंटू 1445। आप फिर से इसको सॉल्व करेंगे तो आपको वैल्यू कितना आ जाएगा 85 आ जाएगा, वेयर एम का वैल्यू 5 बाई 2 और एन का वैल्यू माइनस 2। ओके नाउ दिस इज फोर्थ क्वेश्चन ऑफ दिस क्लास एंड द क्वेश्चन इज फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड 4391 and 183। सो एज टू लीव सेम रिमाइंडर इन ईच केस, मतलब आपको एक ऐसा नंबर निकालना है, आपको एक ऐसा नंबर निकालना है कि अगर आप उस नंबर से ये तीन जो नंबर दिए गए 4391 और 183 अगर आप तीनों नंबर में डिवाइड करो है ना, तो जो रिमाइंडर आना चाहिए वो सेम आना चाहिए। जो रिमाइंडर 43 में डिवाइड करने पे आया वही रिमाइंडर 91 में भी डिवाइड करने पे आया और वही रिमाइंडर 183 में भी डिवाइड करने पे आया। चलो एक काम करते हैं, सॉल्यूशन इसका देते हैं। जाहिर सी बात है कि आपको एससीएफ निकालना होगा क्योंकि डिवाइड का मामला है, आपको डिवाइड करना है किसी नंबर से और एससीएफ फैक्टर होता है यानी कि वो एट द प्लेस ऑफ डिवाइजर होता है, तो हमको एससीएफ ही निकालना पड़ेगा है ना। तो सबसे पहले एक काम करो, 91 माइनस 43 ये करोगे तो ये 48 आएगा, ठीक है ये 48 आएगा, आएगा ना ये 48 आएगा। फिर 183 माइनस 43 करो तो 140 आएगा और 183 माइनस 91 करोगे तो ये आएगा 92 आएगा, आ गया 48 140 और 92। अब चलो एक काम करो, इन तीनों नंबर का एससीएफ फाइंड करो तो अच्छा रहेगा कि हम इसको इसके प्राइम फैक्टराइजेशन के फॉर्म में लिखे नहीं। तो 48 कैन बी रिटन एज 2 का पावर 4 इंटू 3, 140 कैन बी रिटन एज 2 का पावर 2 इंटू 5 इंटू 7 एंड 92 कैन बी रिटन एज 2 का पावर 2 इंटू 23। दिस इज द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 40, 140 एंड 92। ठीक चलो एससीएफ निकालो, एससीएफ आया 2 का पावर 2, 2 का पावर 4, 2 का पावर 2, 2 का पावर 2। What should be the common in all three? 2 का पावर 2, ओके 2 का पावर 2, बाकी 3 है और कहीं नहीं है, 5, 7 भी नहीं है और 23 भी नहीं है, इसलिए 2 का पावर 2 इज द एससीएफ एंड दैट्स इक्वल टू 4।
अब एक काम करो, ये तुम्हारा आंसर हो गया, वो जो नंबर होगा वो 4 ही होगा। आप एक काम करो, 43 में 4 से डिवाइड करो, तो ये आएगा रिमाइंडर। फिर आप 91 में 4 से डिवाइड करो, वहाँ भी रिमाइंडर 3 ही आएगा। और फिर 183 में भी 4 से डिवाइड करो, वहाँ भी रिमाइंडर 3 ही आएगा। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि 4 एक ऐसा नंबर है कि अगर इस नंबर से अगर हम इन तीनों में डिवाइड करें तो हमको सेम रिमाइंडर देगा। ओके, ठीक है, दिस इज द सॉल्यूशन। Now this is the fifth solution of this rule. Okay, and the question is find the least number which when divided by 20, 25, 35 and 40. मतलब आपको एक ऐसा नंबर निकालना है जिसमें, अच्छा पिछला क्वेश्चन था कि आपको डिवाइजर निकालना था, ये क्वेश्चन है आपको डिविडेंड निकालना है। ये कह रहा है when divided, मतलब जिसमें आप डिवाइड करें, तो किससे डिवाइड करना है, 20, 25, 35 और 40। तो अगर इन नंबर से डिवाइड करें तो 20 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 14 आए, उस नंबर में 25 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 19 आए, उस नंबर में 35 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 29 आए, और उसी नंबर में 40 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 34 आए। ठीक है, ये क्वेश्चन है। चलो करते हैं इस क्वेश्चन। कंफर्म है कि हमको एलसीएम ही निकालना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे दो इंडिकेशन है, एक लिस्ट नंबर निकालना है और दूसरा कार्य व्हेन डिवाइडेड, मतलब डिवाइड उसमें करना है, हमको डिविडेंड पार्ट निकालना है। तो एलसीएम मल्टीपल होता है और मल्टीपल डेफिनेटली कहाँ पे होता है, डिविडेंड के प्लेस पे होता है, इसलिए हमको एलसीएम निकालना है। ये कुछ टेक्निक्स हैं जिनके थ्रू आप पता कर सकते हैं कि किस वर्ड प्रॉब्लम में आपको एलसीएम निकालना है और किस वर्ड प्रॉब्लम में आपको एलसीएम निकालना है। चलिए सबसे पहले 20 - 14 = 6, 25 - 19 = 6, 35 - 29 = 6 and 40 - 35 = 6। ठीक है, ये हो गया। आप यहां पे देखें कि हर जगह एक सर्टेन नंबर आ रहा है और वो क्या है, 6 है। चलो अब एक काम, आपको किससे डिवाइड करना है, 20, 25, 35 और 40, तो आप इन नंबर्स का एलसीएम निकालो। ओके, तो 20 को आप क्या लिख सकते हो, 2 का पावर 2 × 5, 25 को 5 का पावर 2, 35 को 5 × 7 और 40 को 2 का पावर 3 × 5। हो गया, ये सारे नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। चलो एलसीएम निकालना है तुम्हें। क्यों एलसीएम निकालना है, व्हेन डिवाइडेड है ना, आपको डिविडेंड का प्लेस निकालना है और मल्टीपल कहाँ होता है, डिविडेंड के प्लेस नहीं होता है, इसलिए आपको एलसीएम ही निकालना पड़ेगा, क्योंकि इन नंबर से एक नंबर में डिवाइड करना है, तो वैसा नंबर क्या कहलाता है, एलसीएम कहलाता है। खैर चलो, एलसीएम हो जाएगा 2 का पावर 3 × 5 का पावर 2 × 7, तो 8 × 25 × 7। ओके, यानी कि 8 × 175 = 1400। एक बार और वेरीफाई कर लेते हैं इसको, 175 × 8। चलो ये मेरा निकल गया एलसीएम। लेकिन एक बात है, आपको एक ऐसा नंबर निकालना है जो डेफिनेटली 20, 25, 35 और 40 का मल्टीपल नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए, क्योंकि कह रहा है उस नंबर पे डिवाइड करने पे ये सारे क्या आने चाहिए, रिमाइंडर आने चाहिए।
तो जब रिमाइंडर अगर आना चाहिए तो जाहिर सी बात है कि एलसीएम जो होगा वो आंसर नहीं होगा। अब आपको एलसीएम के थ्रू एक दूसरा आंसर भी आपको निकालना होगा। चलो रिक्वायर्ड नंबर पे, रिक्वायर्ड नंबर इज इक्वल टू 1400 माइनस 6। अब ये 6 कहां से आया? यहां से आया, यहां से आया, यहां से आया और यहां से आया। ठीक है, ये जो 6 आया, आप इन चारों का आपने एलसीएम निकाला हुआ 1400, उसमें से आप 6 माइनस कर लो, 6 माइनस कर लोगे तो ये कितना हो जाएगा, ये 1394। ओके 1394। अब आप एक काम करो, 1394 में आप 20 से डिवाइड करो, है ना, आप 20 से डिवाइड करो, आपका रिमाइंडर कितना आएगा, 14 आएगा। फिर 1394 में आप 19 से डिवाइड करो, आपका रिमाइंडर, सॉरी आप 25 से डिवाइड करो, आपका रिमाइंडर 19 आएगा। इस तरह से करोगे तो ये हो जाएगा। सो दिस इज द आंसर 1394।